खगड़िया सहित बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों को मनीष कुमार सिंह का प्रणाम। आज 78वें दिन बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार से वार्ता के बाद अपना हड़ताल वापस लिया। हड़ताल वापसी के बाद जैसे लगा कि मैंने बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ बिहार के 4 लाख शिक्षकों ने 78 दिनों से हड़ताल जारी रखा था। इसमें हमारे दर्जनों साथी इस बीच अपनी जानें गंवाई और आज उनका परिवार शायद दाने दाने को मोहताज है। तमाम तरह की बातें, चाहे कोरोना वजह रहा हो या हड़ताल से वापस जा रहे शिक्षक, चाहे हड़ताल से ऊब चुके शिक्षक, या हमारे जो संगठन के नीति निर्धारक कमिटी हैं उनकी गलती रही हो, चाहे वजह जो भी रहा हो, हम आज संतुष्ट नहीं हैं। हड़ताल वापस हुआ, कुछ शिक्षकों के लिए शायद यह खुशी की बात हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ, अपने आप से कमिटमेंट के साथ सभी साथियों ने, बिहार के 4 लाख शिक्षकों ने इस हड़ताल का आगाज़ किया था कि हमारी 7 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। पिछले 10-12 दिनों से हमारे बहुत सारे साथी हड़ताल से वापस जाने को आतुर हो रहे थे, उसमें से कुछ हज़ार साथी पूरे बिहार से हड़ताल से वापस भी हो गए। शायद यह दबाव रहा हो संगठनकर्ता के ऊपर या कोरोना, निश्चित रूप से कोरोना आज वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, हम सब भी उससे प्रभावित हैं। हम लोग भी इसके वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पाए, आंदोलन को गति नहीं दे पाए, जो गति जिस तरह का आंदोलन चलना चाहिए कोरोना के वजह से गति नहीं मिल पाई। तमाम संगठनकर्ता एक साथ बैठ करके विचार विमर्श नहीं कर पाए, बहुत सारा कारण रहा, लेकिन हड़ताल वापसी बहुत ही दुखद है, हमको बहुत दुख पहुंचा है इससे हम आज हम तमाम साथियों को कहना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि यह वैश्विक महामारी थी, प्रकृति ने हमारे आंदोलन को कमज़ोर किया है। हम लोग आज भी बिहार के 90% शिक्षक पूरे मुस्तैदी के साथ हड़ताल में बने हुए थे, लेकिन जो यह वैश्विक महामारी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक शिक्षक के मन में लग रहा था कि ऐसे समय में हम लोगों को हड़ताल पर नहीं बने रहना चाहिए। तो इस स्थिति में आज हम हड़ताल से वापस भी हो गए हैं, लेकिन कमर कस के तैयार रहें। सरकार ने वादा किया है कि कोरोना से निपटने के बाद संगठन से वार्ता करेगी और तमाम मुद्दों पर सकारात्मक पहल की जाएगी, चाहे वह सेवा शर्त का मामला हो, समान काम समान वेतन का मामला हो, नए साथी जो हमारे TET के साथी आए थे उनका वेतन विसंगति का मामला हो, तमाम मुद्दों पर फिर से एक बार बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस कोरोना के बीच में भी जितने भी चुनाव आएंगे उसमें सरकार के विरोध में हम लोगों को वोट डालने का काम करना है, ताकि सरकार वादा खिलाफी से परहेज करे। पिछले चुनाव के टाइम में भी, पिछले आंदोलन के टाइम में भी बिहार सरकार ने वादा किया था बहुत जल्द सेवा शर्त लागू किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत गया। हमें डर है, हमें ही नहीं पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षकों को डर है कि फिर से न कहीं हमारे साथ छल किया जाए। तो इसके लिए हम हाथ जोड़ करके तमाम साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग पूरे कमर कस के तैयार रहें, कोरोना महामारी से निपटने के बाद फिर से एक बड़ी लड़ाई की आगाज़ की जाएगी। तब तक के लिए हम लोग शक्ति एकत्रित करें, हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग में, चाहे सरकार जिस स्तर से हम लोग का यूज़ करना चाहे, हम लोग इस लड़ाई में पूरे साथ हैं, इस लड़ाई में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और कोरोना को हराएंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद हमारी लड़ाई सरकार से, जो हमारी लड़ाई समान काम समान वेतन सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर के चल रही है,
यह समाप्त नहीं हुआ है, इसमें थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है। हम तमाम साथियों से अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कल अपने अपने BRCC में या CRCC में जहां भी योगदान के लिए आदेश दिया गया है वहां शांतिपूर्वक शाम 5 बजे तक योगदान लें और पूरे ताकत के साथ तैयार रहें अगली लड़ाई के लिए। जय हिंद, जय शिक्षक संघ।